बच्चों, आज हम बात करेंगे पोएट्री के बारे में। पोएट्री का फर्स्ट लेसन आपका है द फाउंटेन। द फाउंटेन, फाउंटेन के बारे में आप जानते होंगे। फाउंटेन का मतलब होता है फुहारा। अक्सर घरों के आंगन में, बगीचों में, जो लोग घर के पीछे थोड़ा सा फुलवारी बनाते हैं वहां पर एक फुहारा लगाते हैं, ठीक है, जिसमें शादी बारात में भी देखा होगा कि बीच में एक फुहारा लगा होता है। तो उसी आज फुहारे की बात करते हैं। द फाउंटेन मतलब फुहारा। टेंथ क्लास के इंग्लिश कोर्स में पोएट्री में फर्स्ट लेसन है द फाउंटेन। तो द फाउंटेन के अंतर्गत पहला आपका स्टैंजा है, स्टैंजा को समझ लेते हैं। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इट मींस अगर बात करें तो इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की रोशनी, यानी कि प्रकाश, धूप में, फुल ऑफ द लाइट, फुहारा लाइट से भरा रहता है, मतलब प्रकाश से भरा होता है, प्रकाश में। इनटू द सनशाइन का मतलब हुआ सूर्य के प्रकाश में फुहारा जो है वो लाइट से, यानी कि प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मतलब होता है उछलना। फुहारा क्या करता है, ऊपर की ओर उछलता है, तो लीपिंग मतलब उछलते हुए, और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। तो लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब सुबह से लेकर रात। तो इसमें फुहारे की क्वालिटी बताई गई है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में फुहारा प्रकाश से भरा रहता है, और उछलते हुए चमकते हुए मतलब वो सुबह से, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, वो सुबह से लेकर शाम तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आइए देखते हैं द फाउंटेन का सेकेंड पैराग्राफ। इनटू द मूनलाइट, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सीखा इनटू द सनशाइन कि सनशाइन में फुहारा कैसा होता है, और सेकेंड पैराग्राफ में हम देखेंगे मूनलाइट के बारे में। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। आपको पंक्चुएशन मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें आपको बताया था कि पोयम की हर एक लाइन कैपिटल लेटर, मतलब हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई डब्लू डब्लू डब्लू, और सीरियल से लिखना है आपको, मतलब सेम, आपको आगे पीछे करके नहीं लिखना है, लाइन को आपको सेम सेम लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और सबको एक सामने से लिखना है, यानी कि एक आगे कर दिया एक पीछे कर दिया, ठीक है। तो इनटू द मूनलाइट मतलब मून की लाइट, चांद का प्रकाश होता नहीं है लेकिन फिलहाल वो रात में दिखता तो है ही है। तो मूनलाइट का मतलब हुआ चांदनी, चांद की, है ना। जैसे सूर्य का जो रोशनी होता है उसको प्रकाश कहते हैं, उसी तरह से जो चांद की रोशनी होती है उसको हम लोग चांदनी कहते हैं, है ना। तो चांदनी में, चांदनी में व्हाइटर देन स्नो, व्हाइटर देन स्नो, तो इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो। कौन व्हाइटर देन स्नो? द फाउंटेन, फाउंटेन की बात कर रहे हैं कि चांदनी में, चांद की चांदनी में फुहारा बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है। व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है।
वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब क्या हुआ, ये लहराना है ना, झूमना, वेविंग सो फ्लावर लाइक, झूमता है लहराता है फ्लावर की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, कहने का मतलब है कि जब हवा चलती है तो फुहारा ये मस्त फूलों की तरह लहराता है। तो ये था आपका सेकेंड स्टेंजा, अभी आप देखेंगे थर्ड स्टेंजा। आइए देखते हैं थर्ड पैराग्राफ, यानी कि पोयम में तो स्टेंजा कहते हैं, तो थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं हम लोग। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट, थर्ड पैराग्राफ में स्टार लाइट की बात की गई। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट और हैप्पी बाय डे, हैप्पी तो जानते हो ना, हैप्पी, अच्छा इनटू द स्टार लाइट, जैसे सनलाइट प्रकाश, मूनलाइट आपका चांदनी, और स्टार लाइट मतलब तारों का प्रकाश, तारों की रोशनी होती है, सच में तारों की भी रोशनी होती है, भले ही वो सन के लाइट से, मून भी सन के लाइट से चमकती हो, लेकिन स्टार लाइट भी होती। कभी कभी क्या होता है, जो रात में चांद नहीं होता है फिर भी थोड़ा बहुत उजाला रहता है, जब स्टार चमकते हैं तो थोड़ा बहुत हमको रास्ते में दिखाई देता है, अगर थोड़ा सा भी प्रकाश ना हो तो आप रास्ता नहीं देख सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं तारों में भी प्रकाश नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी वो सनलाइट की वजह से चमकते हैं तो हम तक प्रकाश आता है, रात में थोड़ा बहुत दिखता तो है कम से कम। तो इनटू द स्टार लाइट मतलब तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे जानते हैं, स्प्रे तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, शर्ट पे डालते हैं, ऐसे ऐसे परफ्यूम लेते हैं, शेड लेते हैं, स्प्रे करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो उसमें स्प्रे वाला बटन होता है, नहीं अभी वॉलनी स्प्रे आता है, जो आपकी ज्वाइंट में पेन होता है तो आप ऐसे दबाते हो, फुहारा निकलता है उसमें, तो ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है कि तारों के प्रकाश में जो फुहारा होता है वो स्प्रे के जैसे उछलता है, स्प्रे होता हुआ दिखाई देता है, मतलब बहुत ही छोटी छोटी बूंदों की तरह से दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और हम मिडनाइट का मतलब होता है ना आधी रात, वैसे नाइट का मतलब होता है रात, और मिडनाइट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिडनाइट, तो मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, तो वो आधी रात से भी हैप्पी रहता है, मतलब और हैप्पी बाय डे और दिन में भी हैप्पी रहता है। कहने का मतलब है फुहारा 24 घंटे रात से लेकर सुबह तक वो हैप्पी रहता है, कभी थकता नहीं है। ठीक है, अभी देखेंगे आप लोग फोर्थ पैराग्राफ। देखते हैं फोर्थ स्टेंजा। ईवर इन मोशन ब्लीड सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर अवियरी। ईवर मतलब होता है सदैव, हमेशा, ईवर, ईवर मीन्स होता है सदैव, इन मोशन मतलब हमेशा वो मोशन में रहता है, गति करता हुआ, ब्लीड सम एंड चेरी प्रसन्न चित और प्रफुल्लित दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, जो कि वो हमेशा हेवन वार्ड की ओर जाने की कोशिश करता है, चढ़ने की कोशिश करता है, फुहारा क्या करता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, फुहारा ऊपर की ओर ही जाता है ना, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है हेवन वार्ड, मतलब हेवन की ओर जाने की कोशिश करता है हमेशा, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, क्लाइंबिंग तो चढ़ना होता है तो वो चढ़ता तो नहीं है, लेकिन हाँ उधर की ओर जाता जरूर है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर अवियरी। लास्ट वाली लाइन आप देखेंगे, नेवर अवियरी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, अवियरी का मतलब होता है थकना, तो फुहारा तो थकता ही नहीं है कभी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फुहारा हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, हमेशा वो हेवन की ओर जाने की कोशिश करता है, और नेवर अवियरी का मतलब हुआ कि वह कभी थकता ही नहीं है। बच्चों तो ये थे आपके फाउंटेन चैप्टर के फोर पैराग्राफ, यानी कि फोर स्टेंजा। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे बचे हुए फोर स्टेंजास, जिसमें हम आपको बताएंगे फाउंटेन के बारे में। इस फोर पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि फुहारा सनलाइट में कैसा होता है, मूनलाइट में कैसा रहता है, और आपका स्टार लाइट में कैसा रहता है। चौथे स्टेंजा में मैंने आपको बताया कि फुहारा कभी नहीं थकता है,
हमेशा वो प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है, हमेशा वो आसमान की ओर जाने की कोशिश करता है और कभी थकता भी नहीं है। तो फोर स्टेंजास के बारे में मैंने आपको बताया, तो अगली वीडियो को जरूर देखें इस लेसन की, क्योंकि उसमें बचे हुए फोर स्टेंजास आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप घर बैठे ही हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे, तो आगे भी आप जरूर देखेंगे रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपनी पढ़ाई के लिए लगातार हमारे वीडियोस देखते रहें, मैं बारी बारी से आपके लिए लेकर आऊंगा पोएट्री सप्लीमेंट्री प्रोस यानी कि रीडर से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर हैं सबको मैं बारी बारी से लेकर आऊंगा। तो आप देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद, और आप तक हमारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक चीज छोटी सी बात और कहेंगे कि मेरे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वैसे मैं अपने छोटे से मोबाइल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद। थैंक यू सो मच।